हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथ बस्टर्स को कंफर्म या बस्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला मिथ यह है कि अब अगर हम फायर ट्रक को फोड़ते हैं तो उसकी ही बॉडी आती है। तो पहले जब हम फायर ट्रक को फोड़ते थे तो हमारे ट्रक की बॉडी आ जाती थी, उसकी ओरिजिनल बॉडी नहीं आती थी। लेकिन अब हम इसको फोड़ के देखते हैं क्या होता है गाइस। तो ये मारा, लेकिन पहली बार में तो ये फटा नहीं। सोचो अब ये भी दो बार में फट रहा है, पहले ये भी एक बार में फटता था और इसकी ही बॉडी आ चुकी है गाइस। तो दो नए मिथ मिल चुके हमें, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ है कि हम लोग टैंक के ऊपर नहीं खड़े हो सकते। तो बुलाते हैं गाइस टैंक को। अब टैंक के ऊपर हम लोग डायरेक्ट जंप नहीं मार सकते, आपको भी पता है। और अगर मैंने सुपर जंप लगाने की कोशिश करी तो मेरा बंदा आगे ही निकल जाएगा। तो हम एक काम करते कि हॉर्स को बुला के उसके ऊपर चढ़ के फिर उतर के देखते हैं। तो ये आगे हम लोग परफेक्ट लैंडिंग के साथ टैंक के ऊपर उतरते हैं और खड़े होते हैं टैंक पे, और टैंक ने हमें फेंक दिया बाहर। तो मतलब ये हमें इसके ऊपर खड़े नहीं होने देगा, जैसा कि फायर ट्रक में भी होता है। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ है कि अगर हम स्टिकी मैन बनके डायनो के ऊपर बैठेंगे उतरेंगे तो वो डायनो को उसकी जगह से थोड़ी दूर हटा के बैठेगा। तो पहले हमें स्टिकी मैन बनना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पता ही है हमें कुछ स्टिकी बॉम्ब्स डालने हैं जमीन पे, फिर इन्फिनाइट हेल्थ लगा के स्काईफॉल लगाना है इनके ऊपर और बॉम्ब्स हमारे शरीर पे चिपक जाएंगे। और अब डायनो को बुलाते हैं हम 5050 की चीट कोड से। अब इसके ऊपर बैठते हैं, अब जैसा हॉर्स करता है ये वैसा ही कर रहा है गाइस। हॉर्स में भी कुछ ऐसा ही होता है और ये ऑटोमेटिक चलता है, जैसे हॉर्स भी चलता है। आपने देखा ही होगा उतरते हैं तो भी ऐसा उतरता है। तो ये सेम ग्लिच है, इसलिए ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि तुम टैंक से डायनासोर को मार सकते हो। तो आ चुका है टैंक गाइस, चलते हैं डायनासोर के पास। लेकिन मैंने इन्फिनिटी हेल्थ लगा लिया क्योंकि अभी हम इतने प्रो नहीं है टैंक की मिसाइल मारने में, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो आ रहा डायनासोर, लेकिन मेरा तो यार सारा एम जो है ना वो ऊपर नीचे से जा रहा है, एक गोली इसके ऊपर लगी नहीं अभी तक। तू एक जगह खड़े हो जा, फिर मैं मारता हूँ। अच्छा शायद से हम लोग कैमरा भी तो पीछे कर सकते हैं। नहीं है, आगे आ गया, रुक जाओ, आ गया। तो ये मारा मैंने पैर पर रख के मिसाइल, ये हाँ अब पड़ रही है पेट में, ये मारी और तीन RPG में चला गया डायनासोर। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ है कि अगर आप टैंक को जुरासिक पार्क के फेंस पे फुल स्पीड से मारोगे अंदर से तो टैंक इन्फिनिटी फॉल में चले जाएगा। तो यार वैसे इसकी फुल स्पीड आती नहीं, आपको तो मालूम है टैंक बहुत ज़्यादा धीरे चलता है। देखते हैं कितनी फुल स्पीड में हम लोग टकरा सकते हैं। आ गए हम लोग फेंस के पास गाइस, और ये ठोकी हमने फेंस पे और चला गया नीचे। सही में हमारा टैंक ऐसे ही नीचे धस गया और आगे हम लोग इन्फिनिटी फॉल में गाइस। वाह क्या सीन है। और इसमें तो कुछ अलग होता नहीं है, बस मिसाइल जरूर वर्क करी है, बाकी तो वही है गिरने का। अब गिरते ही जाएगा और कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि इंडियन बाइक ड्राइविंग गेम में बीच के पास एक नया रैंप आया है। तो आ चुके हम लोग यार एक बीच के पास, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कौन से बीच की बात कर रहा है, लेकिन मुझे एक जगह पे न्यू रैंप दिख चुका है जो कि पहले नहीं था, और वो आपको मेरे सामने दिख रहा होगा। रोड के इस साइड वाले जो रैंप है ना, ये गाइस पहले नहीं थे। What? और अगर थे भी तो मैंने नहीं देखे थे, मैंने तो सबसे पहली बार देखे। हो सकता है मुझे नहीं दिखते हो, लेकिन जितना मुझे अच्छे से याद है ना ये नहीं थे यार, वरना मैंने एक आध बार तो इसमें स्टंट मारने की कोशिश की होती। और इसमें अगर आप देखो, आप अच्छे से चले गए ना तो सामने आपको एक मेगा रैंप भी मिलता है जिससे ऊपर चढ़ सकते हो, लेकिन हम तो नीचे गिर गए। आई एम नूब। और जब आप उससे कूदोगे तो करेक्ट आपको यहाँ पे आके गिरना है और आपका स्टंट कम्प्लीट। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हम लोग हमारे घोड़े से किसी भी कार को धक्का मारेंगे, जैसे घोड़े को धक्का मारेंगे तो कार भी पलटेगी, लेकिन कार को डायरेक्ट मारते हैं तो नहीं पलटती। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं इस घोड़े को अगर धक्का मारता हूँ तो इसके जो वजन है इससे कार भी देखो उल्टी हो गई है थोड़ी सी, और शायद से पलट जाएगी अगर करेक्ट मारेंगे तो। लेकिन अब तो घोड़ा ही इसके अंदर चला गया। लेकिन डायरेक्ट मारने पे इस कार को कुछ भी नहीं होता गाइस, पलटेगी क्या, ये खिसकेगी भी नहीं। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ है कि हम लोग स्ट्रीट लाइट को सिर्फ कार से ही डिस्ट्रॉय करते हैं, RPG या स्टिकी बॉम्ब से भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो पहले मैं आपको कार से गिरा के दिखाता हूँ स्ट्रीट लाइट्स को, जो कि आप लोगों ने भी गिराए होगा। अब RPG निकालते हैं और दूसरी स्ट्रीट लाइट के नीचे वाले हिस्से पे मारते हैं, तभी गिर पाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी मारने पे ये नहीं गिर रहा है। अब स्टिकी बॉम्ब निकालते हैं, इसको लगाया मैंने इसके ऊपर, वैसे नीचे वाले हिस्से पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें, क्योंकि नीचे से ही इसका बेस हिलेगा। अब इसको करते हैं एक्टिवेट और कुछ नहीं हुआ गाइस, ये नहीं गिरा। तो सिर्फ कार से गिरता है और इसलिए ये मिथ कंफर्म्ड है।
हमारा अगला मिथ यह है कि एंडीवर कार में आरजीबी कलर थोड़ा अलग सा होता है बाकी व्हीकल से। तो हम लोग दो गाड़ी मंगाते हैं, एक तो लेजेंडर जो कि सेम एंडीवर जैसे ही ऑलमोस्ट है, और दूसरी हमारी एंडीवर कार। और पहले लेजेंडर पे आरजीबी लगाते हैं, तो इसका आरजीबी बाकी गाड़ियों जैसा ही है पैटर्न वाइज है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पे लगाए तो ओके, ये एक एक कलर आता है। देखो उसमें आपको मल्टीपल कलर दिख रहे होंगे आरजीबी के, लेकिन इसमें एक एक कलर करके आता है और पैटर्न वाइज भी नहीं आता है, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हम 700 की कार के डोर को आरपीजी नहीं कर सकते। तो 700 से तो लैम्बोर्गिनी V2 आती शायद से, हाँ। तो इस पे हम लोग लगाते हैं आरपीजी, मतलब आरजीबी, ठीक है। ये लगाया और देखो इसका जो डोर है गाइस, ये ग्रीन कलर का ही है, इस पे आरजीबी हो ही नहीं रहा यार, ये कैसे हो सकता है यार, मतलब इस पे कलर नहीं होता क्या, जबकि ये तो साथ में ही है। तभी सोचूं ये ऊपर नीचे की होता है कभी कभार, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ है कि अगर आप हेलीकॉप्टर को किसी बिल्डिंग पर रख कर उस पर लॉन्चर मारेंगे तो हेलीकॉप्टर नीचे गिरेगा। तो हेलीकॉप्टर हमारे सामने है, इस पे मारते हैं आरपीजी और ये चला के हवा में, नीचे तो नहीं गिरा। शायद मुझे और ऊंची बिल्डिंग में तो नहीं जाना था, क्योंकि जब हम मेगा रैम से गिराते हैं तो ये नीचे चले जाता लेकिन गायब हो जाता था। एक और बार, अरे मुझे आवाज़ आई कहीं, शायद से हमारा पिछला हेलीकॉप्टर जो है वो अभी नीचे गिरा था गाइस। ध्यान से सुनते हैं अगर हमें आवाज़ आती है क्या इसके गिरने की। ये देखो आई ना, मतलब गिरते, अच्छा ये तो गिरा है मेरे सामने। तो गाइस ये गायब नहीं होता है, हवा में भी नहीं उड़ता है, हवा में उड़ के नीचे आ जाता है। ये देखो हमारे जस्ट बगल में गिरा है, तो पक्के में जो दूसरा हेलीकॉप्टर हमने मारा है ना वो नीचे गिरा होगा। चल के देखते हैं, हेलीकॉप्टर से ही जाना पड़ेगा। तो ढूंढो गाइस हमारा दूसरा हेलीकॉप्टर कहाँ गिरा होगा। आसपास की ही आवाज़ आई थी मुझे, तो शायद से दिख गया मुझे वो रहा उल्टा पड़ा हुआ है, दिख गया ये गिरा हुआ है हमारा हेलीकॉप्टर जो हमने ऊपर मारा था गाइस। तो सही बात है, ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि एंडीवर का कोई भी मॉन्स्टर एंडीवर नहीं होता है। तो गाइस एंडीवर हमारी न्यू कार आई है न्यू अपडेट में, अगर आपको नहीं पता 2020 इसका चीट कोड, और मॉन्स्टर कार के लिए हमें लगाना पड़ेगा 02020। तो ये मैंने डायल किया और कोई कार नहीं आई, तो मतलब सही बात है, ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ है कि एयरपोर्ट में जो प्लेन खड़ा है उसको हम पानी में गिराएंगे फिर चलाएंगे, लेकिन इन्फिनाइट हेल्थ लगी होगी तो होगा मैजिक। तो इन्फिनाइट हेल्थ लगा लेते गाइस, पहले बहुत ही गलत चीट कोड डाली थी मैंने पहले, अब सही डाल लिए। अब इसको उड़ाते गाइस, क्योंकि ये प्लेन ब्लास्ट हो जाता है तो शायद कुछ मैजिक हो सकता है, लेकिन इसको पानी के पास ले जाना पड़ेगा उड़ा के, और करेक्ट वहीं पे गिराना है हमें। निकल चुके हैं एयरपोर्ट से बाहर गाइस, और पानी का तो नामो निशानी नहीं है यार। ऐसे में जाता था ना अगर गाड़ी से तो ऐसा लगता था ये पहाड़ के जस्ट पीछे है पानी, लेकिन ये पहाड़ तो यार प्लेन से ही इतना बड़ा लग रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। मैप अपडेट हो गया है क्या, दिखा मुझे पानी दिखा है। मैं सीधे ले जा रहा हूँ नीचे की तरफ, ठीक है, ताकि ये इन्फिनिटी फॉल में नहीं गिरता, क्योंकि वो भी एक दिक्कत है। सीधा गए नीचे, ये किया क्रैश और निकल गई आग। लेकिन भाई इन्फिनाइट फॉल में मत चल जाना, थोड़ा यहाँ हो जा। ओ भाई ये क्या था गाइस, ऐसा लगा मैंने टाइम ट्रेवल कर लिया, पास्ट या फ्यूचर में तो नहीं आ गया मैं। और ये जला हुआ प्लेन कैसे चल रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है गाइस। ये क्या हो रहा है, देखो एक जला हुआ प्लेन उड़ा रहे हैं हम लोग यार, ये कैसे हो रहा है यार। और फिर कंट्रोल में भी फटने के बाद भी हम आउट नहीं हुए, और इसको पूरा कंट्रोल के साथ चला भी सकते यार। लो गाइस ये तो कुछ नया ही हो गया। बिल्कुल डिस्ट्रॉयड प्लेन हमने यहाँ पे उड़ा दिया है, और अच्छे से उड़ा सकते हैं गाइस जितना दूर तक उड़ाना हो, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ऐसी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट कर दो नीचे अपने अच्छे अच्छे मिथ्स ताकि हम उनको ले अगली वीडियो में। और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के मिथ बस्टर्स की, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।